हेलो दोस्तों, तो अब हम इस गाड़ी पर दूसरी वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो वो आपके बहुत फ़ायदे की है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, देखो इस गाड़ी में ना पीछे जैसे अपन स्पीड में चलाते हैं ना, तो देखो आपको मैं सुना देता हूं, क्या पता वीडियो में आएगी या नहीं आएगी आवाज़, लेकिन बहुत यानी मेरे पास कमेंट भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के। देखिए एक मिनट में पहले स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखा देता हूँ ना आपको। अभी रुको 80 पहुँचने दो इसको, और ये देखो 80 की स्पीड के आसपास है ना, इसके पीछे से क्रोन उसमें से बहुत भयंकर घुंघाट की आवाज़ आ रही है, और जैसे अपन जैसे मान लीजिए क्लच यानी एक्सीलेटर क्लच को दबा कर छोड़ते हैं ना, तो घट घट आवाज़ करती है गाड़ी। तो इस गाड़ी का यानी ये प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे अपन क्लच छोड़ते हैं उसमें घट देने से आवाज़ करती है, और 80 की स्पीड में वो भयंकर आवाज़ कर रही है यानी क्रोन इसका। अब इसको भाई को है ना किसी ने यानी चेक कराया है, इसने कोई यानी दूसरे मिस्त्री के, तो इसने चेक करवाया था, तो उस भाई ने इसको क्रोन ख़त्म बताया और 16,000 रुपये का खर्चा बताया, मतलब क्रोन वगैरह सब ख़त्म है, 16,000 के आसपास का खर्चा बताया, मतलब क्रोन वगैरह ये खुलेगा इसका। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रियल क्या होता है, आवाज़ क्यों आती है और किस वजह से आती है, मैं पूरी डिटेल में आपको दिखाऊँगा, पूरी वीडियो देखना दोस्तों, इतनी बेहतरीन नॉलेज है जो आप लोग, अगर आपके पास इको गाड़ी है तो आपके बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको, चलो मैं दुकान पे जाता हूँ, फिर देखो इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है, क्यों आवाज़ कर रही है इतनी ज़्यादा, मतलब घूंघाट मचा रही है बहुत भयंकर। और ये देखिए, मैं देखिए एक मैं क्लच छोड़ूंगा, जब देखना घट देने आवाज़ आएगी, एक मैं मैंने गाड़ी के नीचे सुना देता हूँ आपको, देखो आई होप आपको आवाज़ आ गई होगी दोस्तों, यानी इतनी भयंकर आवाज़ दे रही है गाड़ी, बहुत भयंकर। तो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है दोस्तों, बस ये बड़ा बना दिया जाता है। तो मैं चलो दुकान पे चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन भी। तो दोस्तों ये देखिए, हमने जेक लगा के टायर को घुमा कर अच्छे से यानी चेक कर लिया, दोनों टायर फ्री कर लिए हमने, और टायरों का व्हील भी चेक कर लिया, क्रोन को भी अच्छे से चेक कर लिया, इसमें क्रोन में वगैरह में कुछ में भी कमी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक छोटी सी परेशानी से कितना नुकसान हो जाता है आप लोगों को, देखें वैसे तो मैं बता दूं, देखो सबसे पहले जो होता है ना, जो जैसे क्रोन आवाज़ करता है तब क्या करना पड़ता है, यानी व्हील के बेरिंग चेक कराने पड़ते हैं, अगर कोई भी व्हील के बेरिंग में आवाज़ है घुमाकर चेक करना पड़ता है, और अगर उसमें से आवाज़ आ रही है तो उसकी आवाज़ से ही क्रोन की आवाज़ की तरह महसूस होगी। लेकिन इस गाड़ी में पता क्या परेशानी, इस गाड़ी में परेशानी ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट टायर घुमा कर देखें, ये देखें, ये अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखिए इसका सापड़ जॉइंट कट गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें जैसे ये गाड़ी को चलाते हैं ना अपन भगाते हैं, तो ये गाड़ी में पीछे यानी क्रोन में से यानी वाइब्रेट करती है सापड़ चलती टाइम, यानी ये है ना, ये क्या होता है, ये देखिए ये यूँ है ना, ये वाइब्रेट करके चलती है, जिससे क्या होता है यानी कि आवाज़ पैदा होती है गाड़ी में बहुत भयंकर, जिससे अपन को ये लगने लग जाता है यार क्रोन ख़त्म हो गया इसका तो क्या। और अगर मान लीजिए दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका क्रोन भी आवाज़ कर रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो या तो आपके व्हील के बेरिंग चेक कराए, क्योंकि क्रोन जल्दी से जाता नहीं है, बहुत रेयर चांस होते हैं क्रोन ख़त्म होने के, या फिर ये कपलिंग है ना, कपलिंग इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा बेरिंग आता है, या तो वो छोटा बेरिंग भी रिप्लेस करके देखना है, पहले वो छोटा बेरिंग चेक कराना है, यहाँ पर आता है ना जो ये कपलिंग खोलते ही निकल जाएगा वो बाहर है ना, वो बेरिंग चेक कराना है, और व्हील के दोनों बेरिंग चेक कराना है, इस तरीके से कराना। ये नहीं है आपको किसी ने क्रोन ख़त्म बता दिया, बोल दिया भाई 15-16,000 का खर्चा है क्रोन डलेगा, तो ये नहीं डायरेक्ट क्रोन डलवा लिया, पहले ये चीज़ें चेक करा लेनी उसके बाद में फैसला लेना। फिलहाल इस गाड़ी की आवाज़ हम देखते हैं, ये सापड़ जॉइंट डाल देते हैं, वैसे तो मिस्टेक तो देखो यहीं नज़र आ गई, ये सापड़ जॉइंट बिल्कुल ख़त्म है, इसी में मिस्टेक है, तो पहले ये डाल लेते हैं फिर आपको चला के दिखाते हैं, देखो आवाज़ साइलेंट हुई या नहीं हुई, जो भी झटके वगैरह जो गड़गड़ आवाज़ आ रही थी वो सब इसी से थी, और क्रोन में से जो आवाज़ आ रही थी ना भयंकर, वो भी इसी की वजह से थी। तो पहले ये कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, खोल लेता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा सपट खोल लिया हमने, और ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल ही ख़त्म है, देखो इसमें देखो कितनी ज़्यादा पिले हो गई, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, देखिए अब हम ये डालते हैं और ये रिप्लेस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और फिर चला के भी दिखाते हैं अच्छे से, देखो कितना फ़ायदा हुआ है, और अगर मान लो फिर भी अगर व्हील के बेरिंग खोलने पड़े तो हम वो भी खोलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये नया जॉइंट डाल दिया इसमें, अब ये देखिए बिल्कुल भी चाल नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल फर्स्ट क्लास। अब इसे फिट करते हैं, फिर चला कर देखते हैं क्या पोजीशन आती है, वरना इसका व्हील भी खोलेंगे, क्योंकि क्रोन में आवाज़ नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
भले इस गाड़ी वालों को किसी और ने बताया भाई क्रोन डलेगा, बाकी क्रोन में नहीं है। जहाँ तक है मैं बोल रहा हूँ 80% इसी से पूरी आवाज़ मिट जाएगी, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं व्हील खोल सकता हूँ। एक व्हील के ऊपर शक है मेरे को इस वाले पर, तो इसको भी खोल सकता हूँ, बाकी इसी से मिट जाएगी पूरी आवाज़। तो ये देखिए दोस्तों, यानी सापर जॉइंट डाला है हमने और अब हम टेस्ट ड्राइव लाए हैं। अभी तक तो हमको लगा नहीं कि आवाज़ आ रही है, ये देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अब ये देखो खूब बढ़िया स्पीड में चला रहे हैं हम गाड़ी को, ये देखिए खूब बढ़िया 80-100 आराम से कूद रही है गाड़ी। और ये देखिए बिल्कुल साइलेंट हो गई है गाड़ी, एक कील की भी आवाज़ नहीं आ रही। अब ये देखिए बिल्कुल भी घूंघाट नहीं है अब गाड़ी में। ये देखिए थोड़ा ट्रैफिक है, मैं आगे चलता हूँ और फिर और तेज़ चलाऊँगा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड में गाड़ी चल रही है। और ये देखिए पहले 70-80 तक पहुंचने के बाद तो घूंघाट इतना भयंकर था दोस्तों कि कान दुख जाते थे। और ये देखिए आप देखिए 1% ही आवाज़ नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्लास चल रही है, और सिर्फ एक यानी ये मान के चलिए वो इतनी सी प्रॉब्लम थी वो सापट जॉइंट की। उसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, सापट वाइब्रेट करती थी और क्रोन पर लोड पड़ता था तो क्रोन ही आवाज़ करता था। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखना, आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का इस तरीके से ही ध्यान रखना है। अब ये गाड़ी है कम से कम 150 किलोमीटर दूर थी ये गाड़ी, यानी ये कहीं गई थी बुकिंग में तब इसमें आवाज़ आई थी। तो वहाँ पर इस जब इसने किसी को चेक कराया ना तो उसने यूँ बताया कि भैया इसका क्रोन डलेगा, क्रोन ख़त्म है। और सिर्फ उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने गाड़ी को चला के चेक की और चला के चेक करने में ही क्रोन ख़त्म बता दिया। ना उसने नीचे झुक के देखा गाड़ी में, ना कुछ चेक किया, बट डायरेक्ट क्रोन ख़त्म है, क्रोन डलेगा इसका। तो ये सब आप लोगों के साथ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों से बचे रहे। और अगर आपकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है क्रोन में तो सबसे पहले आपको व्हील के बेयरिंग चेक कराने और सापर जॉइंट चेक करना है। यही प्रोसेस है सबसे बेस्ट, जिससे कि आपके ज़्यादा पैसा नहीं लगा, ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई भी व्हील का बेयरिंग हल्की सी भी आवाज़ आ रही है उसमें चाल है तो उसे रिप्लेस करना है, फिर चला के देखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने पैसे ही बचा सकते हैं और अपनी यानी गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स को भी सेव रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इसमें क्रोन डाल देते हैं तो क्या फ़ायदा होता, कुछ भी नहीं, जबकि इसका ही क्रोन सही है। तो नुकसान यानी उन नुकसानों से बचने के लिए ही मैं वीडियो डालता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी मेरी चैनल पर ऐसी ही वीडियो जो पब्लिक प्रॉफिट की हैं वो आती रहेंगी, जिससे पब्लिक का फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो।